हरे कृष्ण एवरीवन, मेरा नाम कविता पाटिल है और मैं रूपाली माँ और सुरभि ग्रुप से 2020 से जुड़ी हुई हूँ। माँ मेरे लाइफ में आने के बाद मैंने बहुत सारे मिराकल्स देखे हैं और उसमें से दो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे ऑफिस में एक पर्सन थी जो मुझे बहुत परेशान करते थे, मतलब एज इन मैं जो कुछ भी एडवाइस दूँ या फिर सजेशंस दूँ तो वो सुनते नहीं थे, मुझे इग्नोर करते थे सब लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाते थे। तो ऑफिस में ऐसे सब कुछ, ऐसे नेगेटिव इन्वायरमेंट था जो मुझे बहुत, मतलब मैं खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं थी, खुद के ऊपर डाउट होने लगा था। तो इट वॉज़ वेरी पेनफुल, मतलब तो मैंने ये सारी बातें मेरे मेंटर इंद्रनील जी को बताई तो उन्होंने कहा कि कविता आप SPC प्रैक्टिसेस में तो हो ही, आप संकल्प चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो और पावरफुल फॉरगिवनेस करना स्टार्ट कर दो। तो उन्होंने कहा कि इट्स वेरी पावरफुल टूल, बहुत पावरफुल है ये और आपको इसके रिजल्ट्स दिखेंगे, डिपेंड कि आप कितना डेडिकेटेडली उसको परफॉर्म करते हो। तो मैंने नेक्स्ट दिन से पावरफुल फॉरगिवनेस करना स्टार्ट कर दिया। एक वीक हो गया, मतलब ऑलमोस्ट एक वीक हो चुका था, होने के लिए आया था बट मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था वो बंदे के, वो जो पर्सन थे उनके बिहेवियर में। तो तभी संडे सेशन में माँ के साथ मेरा जो ये प्रॉब्लम है वो डिस्कस करने की अपॉर्चुनिटी मिली। माँ ने बहुत पेशेंटली मेरा प्रॉब्लम सुन के लिया और उन्होंने बताया कि कहाँ पे कौन सा एक इम्पॉर्टेंट बात, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मैं मिस कर रही थी पावरफुल फॉरगिवनेस में, वो था कंपैशन। माँ ने कहा कि आप मुझे मेरे सारे आंसर्स माँ का जो ऑडियो है कंपैशन ऑडियो SP 253 उसमें मिलेंगे। इंद्रनील जी ने उसी संडे सेशन में वो ऑडियो चलाया क्योंकि वो तभी जस्ट आउट हुआ था सेशन से पहले। तो हम लोग सारे लोगों ने सुना और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कहाँ पे गलत जा रही थी। मैं सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी, सिर्फ मेरे यहाँ से मैं सोच रही थी कि हाँ ये मुझे बहुत परेशान करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन मैंने कभी उनके नज़रिए से या फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा ही नहीं, कभी मैंने उनके दर्द को जाना ही नहीं कि हाँ वो भी कोई दर्द में रह सकते हैं, इसकी वजह से वो मेरे साथ ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। एंड एट द एंड जो माँ कहते हैं सब मेरे ही तो हैं। मैंने इसको समझा, जाना, उनके पेन को जाना और मैंने पावरफुल फॉरगिवनेस साधना स्टार्ट कर दी। बड़ी शिद्दत से मैंने प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दिए एंड 3 से 4 दिन के बाद वो जो पर्सन थे वो खुद से चल के आए मेरे पास और उन्होंने बहुत अच्छे से बात करना स्टार्ट किया, बहुत पोलाइटली मेरे साथ बात कर रहे थे। मैं जो उनके साथ बात कर रही थी, मेरे हर एक सजेशंस एडवाइस को वो कंसिडर कर रहे थे, कोई भी निगेटिविटी नहीं था। पहले जब वो मेरे साथ बात करते थे तो ऐसे निगेटिव वाइब्रेशंस निकलते थे, ऐसे मुझे फील होता था, लेकिन अभी इस टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये बहुत ही मिराकल था मेरे लिए एंड ये सब कुछ हो पाया माँ की वजह से। माँ ने अगर उस दिन नहीं समझाया होता तो शायद से ये जो पर्सन है उन मतलब ये जो मिराकल हुआ है ये मैं बिल्कुल नहीं देख सकती थी। तो और दूसरा मेरा एक एक्सपीरियंस है, ऑफिस में ही थी मैं तो रिंकू दी का फ़ोन आया था एक SP पोस्ट के बारे में। तो मैं उनके साथ बात कर रही थी तो ऑल ऑफ द सडन दी ने पूछा कि कविता को आप
आप कोई टेंशन में हो? तो मैंने बोला कि हाँ दीदी, एक्चुअली सुबह से ना ऑफिस में एक प्रॉब्लम चल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि दिल से माँ को इन्वोक करो, सिचुएशन जो भी है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, पावर फॉरगिवनेस साधना करो, फॉरगिवनेस करो दिल से। तो मैंने दी को कहा ठीक है, मैं फोन रखा, अंदर गई, शांति से बैठी, माँ को इन्वोक किया, सिचुएशन को एक्सेप्ट करके फॉरगिव किया दिल से। एंड विद इन एन आवर, मतलब एक घंटे के अंदर अंदर, माँ और कृष्णा जी ने मुझे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से ऐसे फूल की तरह से निकाल के रख दिया था। मैं बहुत हक्का बक्का रह गई थी कि ये हुआ कैसे। मैंने तुरंत ही रिंकू दी को फोन करके सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो दी वॉज लाइक कि मैंने बोला था ना तुम्हें, तो वो भी बहुत बहुत ही हैप्पी थे। एंड मैंने रियलाइज किया कि फॉरगिवनेस का पावर क्या होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माँ, ये सब कुछ हो पाया आपकी वजह से, कृष्णा जी की वजह से। लव यू माँ, लव यू माँ।